थोड़े जे माजूरी है तो उन्हें फरमाइश भेजी है तो मैंने सुनी तरीक के दोस्त ने भी कहा जी इन्हें फरमाइश पढ़ दो। वो फरमाइश ने बड़ी कमाल की है कि अम्मा हलीमा का घर है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। दो साल दे मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा हलीमा ने नबी पाक दी उंगली पकड़ के वेड़े टुड़दियां पईयां ने जी जी ते नाल कह रहीयां ने मैं ता सोने दी उंगली नबी होई मैं ता सोने दी उंगली नबी होई पाई लाल अपने जफी होई मैं तो सोने दी उंगली नपी होई मैं तो सोने दी उंगली मैं तो सोने दी उंगली नपी होई है भाई लाल अपने जफी होई है। इहदा पहला मिसरा सुन नदरा अम्मा दा घर है ते नबी पाक भी उस घर च ने ते अम्मा चाहती है कि हजूर बाहर ना जान क्योंकि धुप बड़ी तेज है। हाँ तो सोने दी उंगली नपी होई मैं तो सोने दी उंगली नपी होई पाई लाल अपने जफी होई मैं तो सोने दी उंगली नपी होई मैं तो सोने दी उंगली उंगली नप नहीं सकते पर जिन्हें कलमे की निस्बत नपी हाथ चुक जिन्हें कलमा पढ़ के नपी हुई है। हाँ मैं ते सोने दी उंगली नपी होई मैं ते सोने दी उंगली मैं ते सोने दी उंगली पूरी रात इस वाला कहते रहे अम्मा का घर है अम्मा चाहती हजूर बाहर ना जावन बार मौसम बड़ा गर्म है ते घर ही रहन ते कहंदा कहणस दा तरीका सुनना तेरा। हाँ हुण अखियां तो दूर न जावी वेड़े बाहर पैर न पावी वेड़े बाहर पैर न पावी धुप नाल जमीन भी तपी होई मैं ते सोने दी उंगली नपी होई मैं ते सोने दी उंगली मैं ते सोने दी उंगली नपी होई पाई लाल अपने जफी होई मैं ते सोने दी उंगली बारी थोड़ी है ते अम्मा दा अम्मा हलीमा दी गल हो रही है ते कह रही है ने अम्मा जी तुसी आजकल की वजीफा कर रहे हो ते कह लगे वजीफा नहीं करदे करदे की आ जदन तू सोणिया तकिया आहा सुभान अल्लाह भाई सुभान जदन तू सोणिया सारे नगमे भुल गए मैनू माला नाम तेरे दी जपी होई मैं ते सोने दी उंगली नपी होई मैं ते सोने दी उंगली मैं ते सोने दी उंगली नपी होई तेरे सोने दी उंगली ये अम्मा ने क्या से हजूर नो हजरात अम्मा हलीमा का जिक्र होया